Audio Jungle. हम इस समय मौजूद है रामनगर मॉडल रोड की, ये सबसे बड़ी मार्केट है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस मार्केट में बिल्कुल जो OD1 का जो सिस्टम चलाया गया है उस OD1 के हिसाब से दुकानें खुल रही हैं। आप देख सकते हैं नंबर एक जो दुकान है वो आज खोली गई है, क्योंकि इवन नंबर आज बताया जा रहा है। उसके बाद दो नंबर की दुकान आप देख सकते हैं, दो नंबर की दुकान यहाँ पर बंद है, उसके बराबर वाली एक नंबर की है। तो ये यहाँ पर इस मार्केट को इसी तरह से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी मार्केट इसी के तहत यहाँ पर चली हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि कल से लॉकडाउन 4 समाप्त हुआ है आज, और उसके बाद कल से इन्होंने इनलॉक 1 का जो शुरुआत की है उसमें यहाँ दुकानदारों को यहाँ पर कुछ असमंजस पैदा हो रहा है। तो रामनगर के जो मार्केट के प्रधान हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि अब क्या दिक्कतें आ रही हैं। नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम बिन्नी वर्मा है, मैं मंडोली रोड मार्केट की अध्यक्ष हूँ। बिन्नी, बात करने से देखा जा रहा है कि अब तक लॉकडाउन 4 के तहत जो भी रूल्स थे उसके हिसाब से आपने दुकानें चलाईं, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने क्या क्लियर किया आपको? कल शाम से जैसे ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के जो आदेश आए हैं उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है कि अब क्या ऑड इवन चलेगा नहीं चलेगा, जिम और सैलून जो बंद हैं वो कब खुलेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बोला है कि जितने भी मॉल्स हैं वो भी खुलेंगे, लेकिन उसमें ये क्लियरिटी नहीं आई है कि वो ऑड इवन के अकॉर्डिंग खुलेंगे कि रेगुलर बेसिस पे खुलेंगे। और एक चीज़ और उन्होंने बताई है कि टाइमिंग्स का दिया है कि 9 बजे तक अब शॉप्स खुल सकती है, और रात से 9 बजे तक सुबह 7 बजे तक का शायद लॉकडाउन रहेगा। तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो जो टाइमिंग है वो कितने बजे से कितने बजे तक होगा। बात की जाए जिस तरह देखा जा रहा है कि अब जो कल की बात करें, कल में काफ़ी दिक्कतें आएंगी दुकानदारों, कैसे आपने यहाँ तैयार किया दुकानदारों को जब अब तक क्लियर नहीं हुआ था? एक्चुअली क्या है कि हमने अपनी दुकानों में ऑड इवन नंबर डाल रखे हैं, और जैसे आज 31 तारीख है तो एक नंबर की सारी दुकानें खुली हैं और दो नंबर की दुकानें बंद हैं, क्योंकि कल डेट एक है तो ऑटोमेटिकली वो ऑड नंबर आ रहा है। लेकिन उसे क्लियर करने के लिए कि कल से कल इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी, तो इसको क्लियर करने के लिए हमने अपने मार्केट में सूचना दे दी है सभी को कि कल सभी 2 नंबर की दुकानें खुलेंगी, और अब हमें ऑड और इवन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, डेट्स के अकॉर्डिंग नहीं। तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्लियर करने में समय लग रहा है। तो मैं यही अपील करूँगी कि दिल्ली सरकार हमें जल्द से जल्द कोई ऐसा आदेश दे जिससे मार्केट स्मूथली चले, लोग सेफ रहे, और कोई सही डिसीजन दे और जल्द ही दे ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो पाए। धन्यवाद। तो जिस तरह से अभी बिन्नी वर्मा जी बताया कि अभी वो अपने विवेक पर इस मार्केट को चला रही हैं, बड़ी मार्केट है, एक महिला होने के नाते उनको काफ़ी दिक्कतें भी आ रही है, लेकिन लोगों को दुकानदारों को समझाने में कामयाब होगी। लेकिन फिर भी उनकी अपील है कि दिल्ली सरकार उनको जल्दी से जल्दी कोई ऐसा निर्णय दे, क्लियरेंस दे कि वो अपनी दुकान अपनी मार्केट को अच्छी तरह से चला सकें। हमारे साथ यहाँ दुकानदार और भी हैं, आइए बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सोनू गोयल है। मैं बात करें जिस तरह देखा जा रहा है कि कल आज भी इवन है, कल भी इवन है तारीख के हिसाब से यार, लेकिन बहुत बड़ी कंफ्यूजन अभी हर मार्केट से ही हमारे को ये पता लगाना पड़ रहा है कि कैसे दुकानें खुलेंगी। हमने मैडम से भी पूछा है इसी बात के लिए कि कल के लिए क्या आदेश है, लेकिन वो अभी ऐसा हो रहा है कि कल इवन की दुकानें ही खोलने की बात कह रहे हैं। बात की दिल्ली सरकार ने अभी तक आपको क्या गाइडलाइन दी हैं? कुछ हमारे को कुछ भी सही निर्देश नहीं मिले हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, उन्होंने हमारे को सिर्फ एक उलझन में डाला हुआ है, कोई भी सही निर्देश नहीं दे रही है जिससे हमें साफ सुथरा काम कर सकें। और भी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, बात करते हैं क्या उन्हें समझा है। नाम जानना चाहेंगे? मोनू गोयल। हम मोनू, बात करें क्या दिक्कतें आ रही हैं अब? भाई ओडीवन में दिक्कत तो आ ही रही है, टाइमिंग सही नहीं है, सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक की टाइमिंग है, और ग्राहक जो निकलता है वो शाम का टाइमिंग निकलता है, तो इस वजह से शाम को 6:30 बजे मार्केट बंद करवा दी जाती है। लेकिन अब 9 बजे तक का जो समय बढ़ा दिया गया, क्या कहना? ठीक है, 9 बजे तक का समय तो सही है, 9 बजे तक का समय सही है। लेकिन अब जो कल से जो बात करें कि लॉकडाउन 4 समाप्त हो गया, अब लॉकडाउन अनलॉक 1 चल गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसकी तो अभी उलझन है, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। अभी जो हमारी प्रधान कहेंगे मार्केट की वही करेंगे, जैसे वो कहेंगे, जैसे मार्केट में सब राजी होंगे वैसे करना पड़ेगा। तो आप एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा, ये वो मार्केट है, बड़ी मार्केट है रामनगर की मार्केट, बड़ी मार्केटों में गिनी जाती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ प्रधान के मुताबिक यहाँ पर डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ये लोग बता रहे हैं कि अभी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर ऐसा
डिसीजन नहीं आया है। लोग यहाँ असमंजस में हैं कि वो अपनी दुकानें किस तरह खोलेंगे, लेकिन फिर भी प्रधान, यहाँ की प्रधान ने अपने विवेक से इनको समझा दिया है कि कल, क्योंकि जिस तरह आज ओड नंबर है, कल भी ओड नंबर पड़ेगा, तो तारीख के हिसाब से यहाँ मार्केट में दुकान नहीं खुलेंगे। दुकान खुलेंगे तो ओड इवन के दिन के हिसाब से यहाँ दुकानें खुलेंगी। और यहाँ के लोगों ने, अब प्रधान ने भी ये दिल्ली सरकार से आग्रह किया है कि वो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ऐसा प्रेस के माध्यम से या किसी भी माध्यम से यहाँ तक एक ऐसा संदेश पहुँचाएँ जिससे कि यहाँ के दुकानदार सही दुकान को खोल सकें और उन्हें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली। Audio Jungle.